वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल फुल ऑफ नॉलेज एंड अपडेट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन टू फॉर्मुलेट पॉलिसी अबाउट रिडक्शन इन सिलेबस। अब बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो एक पॉलिसी बना रहा है सिलेबस रिडक्शन के लिए, जिसके चेयरमैन विनय पंडिता हैं, उन्होंने क्या कहा है मीडिया से, क्या क्या पॉलिसी है, उसको कब अप्रूवल मिलेगा, बहुत से बच्चों को इसका इंतज़ार था। अगर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन ज़रूर दबाइए, हर तरह की अपडेट आप तक ज़रूर पहुंचेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। श्रीनगर अगस्त 27 टू ब्रिंग आउट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द साइकोलॉजिकल वार। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हैज़ फॉर्मुलेटेड ए पॉलिसी रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ सिलेबस और इट्स रेशनलाइजेशन हैज़ सेंट इट टू हायर अथॉरिटीज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। टॉकिंग टू कश्मीर न्यूज सर्विसेज, विना पंडिता चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सेड द डिपार्टमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड अ पॉलिसी विच विल बी सेंट टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट असकर हुसैन सामून फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सो डैट द स्ट्रेस ऑफ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स कैन वेक अप इन कोविड-19 पैनडेमिक विल बी ईज्ड। वी हैव आस्क्ड द स्टूडेंट टू फिल एग्जामिनेशन ऑफ 10th, 11th, 12th एज इट इज हैज़ टू फिल फॉर डाटा बेस फॉर द पर्पज वट एवर द सर्कमस्टांसिस आर। इन्होंने कहा कि कोई भी सर्कमस्टांसिस हो, 10th, 11th, 12th के बच्चों ने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरने हैं। जैसे अभी एक नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन निकाला था, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि बच्चों को एक स्ट्रेस से निकालने के लिए, उनका सिलेबस रिड्यूस करने के लिए हमने हायर अथॉरिटी तक जो है हमने इसका अप्रूवल देने के लिए कहा है। उन्होंने और भी ये कहा कि शी सेड वी कांट प्रिडिक्ट हाउ लॉन्ग द कोविड-19 विल गो आउट बट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द डिपार्टमेंट टू वर्क आउट डाटा बेस फॉर द स्टूडेंट एट लास्ट मोमेंट। शी अपील द स्टूडेंट नॉट टू बी पैनिक एज डिपार्टमेंट नीड डाटा बेस फॉर द डिस्कशन विद गवर्नमेंट टू इंश्योर रिलीफ टू स्टूडेंट कम्युनिटी। वी कैनॉट वर्क आउट रिडक्शन इन सिलेबस रेशन। उन्होंने ये भी कहा कि एंड मोमेंट पर हम कैसे करें, क्योंकि कोरोना का ये नहीं पता कि कब जाएगा और कब नहीं जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि वी कैन नॉट वर्क आउट रिडक्शन इन सिलेबस और रेशनलाइजेशन और टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एट द 11th hour। सो वी नीड स्टार्टेड, वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस द ऑफिशियल से। अब उस ऑफिशियल से बात करते हुए कहा कि विनय पंडिता ने कि हम ये नहीं बता सकते कि कोरोना कब तक चलेगा, लेकिन यह है कि डिपार्टमेंट को डाटा बेस चाहिए और एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, क्योंकि कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोरोना हो कुछ भी हो, हमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है और हमें इतना पैनिक नहीं होना है। बच्चों को जो भी डिसीजन लिया जाएगा गवर्नमेंट ने, वो बच्चों के रिलीफ के लिए लिया जाएगा। इसका मतलब बच्चों के लिए वी ऐसा स्टेप उठाएंगे जो बच्चों के लिए बेनिफिट के लिए ही होगा। व्हेन आस्क्ड, जब बोर्ड के चेयरमैन से विनय पंडिता से पूछा कि बोस हैज़ टेकन द स्टेप ऑफ यूजिंग हार्डशिप ऑफ द स्टूडेंट्स एमिड पैनडेमिक, शी उन्होंने क्या कहा, शी एडेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू गैदर एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म एट दिस टाइम, वी हैव आस्क्ड द कंसर्न क्वार्टर्स टू सेंड द सजेशन एंड बाई अगस्त 6 वी रिसीव्ड कमेंट फ्रॉम देम, वी आर ड्राफ्टिंग द प्रोसीजर हाउ टू गो अहेड ऑन मंडे और ट्यूजडे वी विल फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड सेंड टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी असकर हुसैन सामून फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। विना पंडिता आल्सो सेड शी होप्ड विद इन 7 to 10 days द डिपार्टमेंट विल बी रेडी विद अ पर्टिकुलर प्रोग्राम हाउ टू गो हैड। उन्होंने बोला जैसे जेके CBSE ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया, हो सकता है समर जोन के लिए सिलेबस रिड्यूस हो जाए, लेकिन विंटर जोन का जो अभी टाइम तो कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए हम कुछ ऐसा पॉलिसी लाएंगे जो बच्चों के रिलीफ के लिए होगा और उनके फायदे के लिए होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस। इससे ये सामने क्लियर होता है कि बच्चों को जो विंटर जोन के बच्चे हैं उनके लिए ऐसा कुछ स्टेप उठाने वाले हैं बॉस, या तो उनका सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसा कंडीशन है कोरोना का, कोई पता नहीं कब जो है ये कोविड-19 जो है ये सिचुएशन ठीक होगी और समर जोन के बच्चों का चांस है कि उनका सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाएगा। लेकिन जो विंटर जोन के बच्चों के एग्ज़ाम विद इन 2 months होने हैं, जैसे होते थे वैसे ही होंगे, और उनके लिए कुछ ऐसा स्टेप लिया जाएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं की वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।